हाय गाइस, लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था कि हाईनेस के फ्यूल में कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बाकी बाइक्स में आ रही है मुझे उसका आइडिया नहीं है। अगर है तो प्लीज़ मुझे एक बार बताना। लास्ट वीडियो में क्या मैंने सिर्फ आपको जानकारी दी थी, सिर्फ अपने एक कह सकते हैं कि आपके लिए वो अंदाज़ा था कि भाई मैंने बता दें, लेकिन आज आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा आ चुकी है। अब वो प्रॉब्लम दोबारा क्यों आई है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी मंडे क्या है, मंडे में दिल्ली में बारिश थी और मैंने बाइक को ऑफिस की पार्किंग में लगा, मैं ऑफिस की पार्किंग में लगाता हूँ। पार्किंग जो है ऑफिस की वो ओपन है और वहाँ पर डे टाइम में शायद इसके अंदर कहीं बारिश में पानी चला गया दोबारा से, और दोबारा से मुझे वही इशू आया है। अभी मैंने चेक कैसे किया, चेक मैंने किया कि आज मैंने मॉर्निंग में ऑफिस से निकलने से पहले ही मैंने, मेरे माइंड में आ गया अरे एक बार देख लेते हैं कि कहीं ये फिर से जाम तो नहीं हो गया। मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन आज मैंने देखा कि यार अभी फिर से जाम पड़ा हुआ है। तो यार सुबह तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा यार शाम को घर जाते वक्त इसका मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी एक बार कहीं आगे जाके रुकते हैं, थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हो जाए तो आगे जाके कहीं ओपन एरिया में रुकते हैं, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या हाल है। चलिए पहले रोड क्लियर करते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। चलो यार एक बार यहीं रुकते हैं और मैं दिखाता हूँ कि फ्यूल लिड का अभी क्या हाल है, क्योंकि अभी सूरज भी ऑलमोस्ट ढलने वाला है तो लाइट भी अभी इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो यहीं पे रोकता हूँ, दिखाता हूँ आपको। पहले तो आप की हालत देखो, ये सीधी है ना अभी। अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, नहीं खुल रहा ना, मैं थोड़ा पुश पुश करके देखता हूँ नीचे की तरफ। अभी देखो की क्या हालत, ये हालत है इसके, फ्यूल लिड जाम हो चुका अच्छी तरह से। अभी मैं क्या करूँगा, जाता हूँ घर पर, घर पर इसमें WD-40 रखा हुआ है या फिर लूप लूप मिल जाएगा, चेन लूप, वो इसमें डालूंगा, तब मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर मैंने अभी ज़बरदस्ती की और की इसमें टूट गई तो भैया मतलब कि कहते हैं आ बैल मुझे वार, वो वाली कहानी हो जाएगी। तो यार इसका थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आपके पास हाईनेस है, क्योंकि और गाड़ी का मुझे नहीं पता, अगर आपके पास हाईनेस है और आपको ये दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और अगर नहीं आ रही है तो तब भी बताओ उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ध्यान रखना यार फ्यूल लिड का स्पेशली, क्योंकि ये बहुत है, कहने को तो यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कहीं आप मान लो पेट्रोल पंप पर आपकी, आपको पेट्रोल रिफिल कराना है और आप ट्रिप पर हो कहीं और बीच में आपको ये अटक गया तो फिर मुसीबत हो सकती है, और की टूट गई तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे अच्छी तरह से। यार यही था इस वीडियो में, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना था कि फ्यूल लिड की जो हालत है अपनी हाईनेस की ये है। तो अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो यार मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय।